गोरेगांव का विवादित आर ए टोलना का रविवार से बंद कर दिया गया है। आर ए ने यह सड़क बीएमसी के हवाले कर दिया है। सड़क को अपने कब्जे में लेने के बाद बीएमसी ने मंगलवार से ही सड़क की रिपेयरिंग शुरू कर दी है। आर ए से गुजरने वाले हर एक मोटर कार वालों को टोल भरना होता था, लेकिन अब इन्हें टोल भरने से मिली राहत। आर ए रोड पवई से मरोल तक जुड़ता है, लेकिन अब यहाँ से गुजरने वाले बिना टोल भरे ही जा सकते हैं। आर ए का टोल नाका बंद करने के लिए शिवसेना के स्थानीय सांसद रविंद्र वाइकर ने पिछले 5 साल में 6 बार आंदोलन किया था। बीएमसी के हाथ कागजात आते ही सबसे पहले वाइकर ने और उनके समर्थकों ने टोल नाके पर हथौड़ा चला दिया। सभी लोगों ने मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि जैसे यहाँ टोल फ्री कर दिया गया है, वैसे ही रोड की हालत भी जल्द ठीक होनी चाहिए। यहाँ से 5 रुपये टोल लिया जाता है, लेकिन 5 रुपये का लायक रोड नहीं है। रोड से ज़्यादा कम खड्डे ज़्यादा है यहाँ पे, आने जाने में भी प्रॉब्लम्स, लेकिन एक शॉर्टकट इसके लिए पब्लिक से यहाँ पे आया जाया करती है। अगर बात करें कितनी मुक्ति मिली आपको 5 रुपये, अरे काफ़ी सुकून है, रोड वगैरह भी खाली हो गया है, थोड़ा सा सुकून भी लगता है। यहाँ पे लोग भी सही नहीं होते थे बात करने में, उनसे बात करते प्रॉपरली हो जाए, सही जॉब उनका आता नहीं था। टोल बंद हो गया है, कितना टोल लिया था आपसे? 7 रुपये। अभी कितनी राहत मिली है टोल बंद होने से? अभी क्या टेंशन है, नहीं एमटी आने के एमटी नहीं आते थे हम लोग, और छोटा मोटा भाड़ा अंदर का लगता था तो नहीं आते थे, क्योंकि 7 रुपये देना टोल नाका जेब का डालो, भाड़ा छोड़ के ऑफिस जेब का टोल नाका डालो, इसके लिए हम छोटा मोटा भाड़ा नहीं मारते थे अंदर का। अभी टोल नाका खत्म हो गया तो अभी टेंशन ही खत्म हो गया हम लोग का। 5 रुपये तो लिया जाता था और कार से आओ तो 15 रुपये। अरे बहुत राहत मिली, अभी यहाँ से गुजरा तो बहुत खुशी हुई देख करके टोल वाले नहीं खड़े हैं, कि एक तो पैसा ले लेते थे, ऊपर से रोड्स अच्छे नहीं है, ऊपर से उनकी गुंडागर्दी अलग थी, ट्रैफिक भी नहीं है। किस प्रकार की गुंडागर्दी दिखाते थे आप लोगों से? और अभी कुछ नहीं, अकड़ और बदतमीजी से बात करना और आने जाने वालों को त्रास देना, टेंशन देना, गाड़ियाँ खड़ी रहो, पहले पैसे दो, फिर उनके पास चिल्लर भी नहीं होता था। अगर 100 रुपये भी देते उनको तो बोलते थे 100 रुपये काय को दे रहे हो, चेंज लाओ। अब चेंज क्या, हम यहाँ से कहीं और जाएंगे चेंज लाने के लिए? बहुत ख़राब, बहुत बदतर स्थिति है। कोई अगर प्रेग्नेंट महिला है और आना जाना सफ़र कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और त्रास में रहेगी, ये उनके लिए, बड़े बुज़ुर्गों के लिए बहुत तकलीफ़ देह बात है। बच्चे अंदर में, आर्य मिल कॉलोनी के अंदर में बच्चे हैं, रॉयल पाम्स के अंदर में बच्चे, जिनको स्कूल से आना जाना करना पड़ता है, यही एक रोड है और कोई अल्टरनेट रोड है नहीं, तो उसमें बहुत तकलीफ है लोगों को, बहुत तकलीफ है। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट के आर्य कॉलोनी रोड को टोल मुफ्त कर दिया गया है। यहाँ से गुजरने वाले हर गाड़ी और 2-व्हीलर 4-व्हीलर के लोगों को काफ़ी राहत मिल चुकी है। कैमरामैन अजहर के साथ विनीत दुबे, तेलंगाना 24 न्यूज़, मुंबई।